अरे व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज एक क्लास हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके थे, क्लास नंबर 67। ये आज एक क्लास और प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि कल पढ़ा नहीं पाए थे। तो क्लास नंबर टीजीटी पनेशा की क्लास नंबर 68, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्या बातें करेंगे। इसमें हम बातें करेंगे बेटा टेस्ट क्रॉस की, बैक क्रॉस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी है कहीं कुछ नहीं, सिंपल है सब, ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कह रहे कि मार्शेलो मेलपीगी ने किसको डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था भैया? कैपिलरी सिस्टम बताया था मार्शेलो मेलपीगी ने, क्या बताया था? कैपिलरी सिस्टम। और अगर हम बात करें बेटा कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल के बारे में आप क्या जानते हो? कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड मतलब रेखित मांसपेशियां किंतु अनैच्छिक, मतलब समझना बेटा दो बातें हैं अलग अलग। ज़्यादातर जो रेखित होती हैं, ज्यादा सुनना मेरी बात को, ज़्यादातर जो रेखित मांसपेशियाँ होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, जो कार्डियक मसल हैं वो स्ट्रिएटेड हैं, रेखित हैं लेकिन अनैच्छिक हैं। 279 में बेटा जो फिशेस का हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। फिशेस का जो हार्ट होता है बेटा उसमें देखो दो चैम्बर्ड होता है, टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इंसेक्ट में जो हार्ट पाया जाता है उसको हम एसेसरी हार्ट कहते हैं। कैसा हार्ट कहते हैं बेटा? एसेसरी हार्ट, जो इंसेक्ट में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एसेसरी हार्ट। और कॉकरोच वाला जो होता है उसको ट्यूबुलर अलग से कहते हैं, कॉकरोच का एसेसरी नहीं होता, उसको ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, सारे एक भी क्वेश्चन फर्जी का नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। अब फिशेज में जो हार्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं वेनस हार्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित का में से किसका वेनस हार्ट है, तो आपको आंसर क्या देना है कि वेनस हार्ट किसका है बेटा? फिशेस का। अभी बात करो बेटा कोरोनरी आर्टरी की, किसकी बात करोगे? कोरोनरी आर्टरी की। तो सप्लाई ब्लड टू वॉल ऑफ हार्ट, क्या मतलब हुआ? जो हार्ट होता है बेटा, जो आपने सुना होगा ना कि किसी किसी के ब्लॉकेज हो जाता है हार्ट में, एक तरह से कह सकते हो तीन आर्टरी हैं जो हार्ट की वॉल को सपोर्ट करती हैं। अब अगर इन तीनों में ब्लॉकेज हो जाता है, आपने सुना होगा ना परसेंटेज निकलता है, 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज बड़ी ख़राब स्थिति होती है। तो ऐसी कंडीशन में एंजियोग्राफी करा दी जाती है। एंजियोग्राफी करा के ये पता किया जाता है कि कितने परसेंट ब्लॉकेज है। जब पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है तो क्या किया जाता है, जहाँ पर ब्लॉकेज होता है वहाँ छल्ला डाल दिया जाता है, जिसको बायोलॉजी की भाषा में स्टेंट कहते हैं और गाँव की भाषा में छल्ला डलवा दिया ऐसे बोलते हैं। तो ब्लॉकेज को ख़त्म करने की एक रामबाण औषधि है। बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में बहुत सारे लोगों को ये हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और या ब्लॉकेज है, माता पिता या कोई आस पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग है, तो हम सबको यही सलाह देते हैं कि नियम से कम से कम 30 दिन लगातार लौकी का जूस पी ले वो व्यक्ति। और ताकतवर काम करना चाहता है तो क्या करे, लौकी के जूस में अदरक और लहसुन, जब जूस बनाए लौकी का जूसर से तो उसमें कम से कम 20 कली लहसुन की डाल दे, और लगभग 100 ग्राम क्या डाल दे बेटा आपका अदरक, 100 ग्राम नहीं ज़्यादा हो गया, 50 ग्राम के आसपास अदरक डाल दे। इतनी चीज़ें मिला के अगर लौकी का जूस वो लगातार 30 दिन पीता है, केवल तीन चीज़ें रेगुलर पीता है खाली पेट मॉर्निंग में, तो फिर ये आप समझ लो एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंडीशन है, बहुत स्ट्रांग है, और मतलब और जल्दी रिकवरी करनी है तो शाम को सोते समय एप्पल सेडार विनेगर, सेब का सिरका, एक ढक्कन गर्म पानी के साथ। ये मतलब हमने जो आपको विधि बताई है ये आज की विधि नहीं है, चरक संहिता में बहुत पहले से ही वर्णित है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कम करने की और हार्ट ब्लॉकेज को खोलने की दवा है। चलो खैर, अच्छा हमारी आदत है बीच बीच में अगर हमको लगता है कि हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा तो हम बता देते हैं, ताकि हमारे बच्चों को ज्ञान रहे, जब उनको ज्ञान रहेगा तो अपने आप चीज़ें फैलेंगी, प्रसारित होंगी, स्प्रेड होंगी। चलो ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो किसको सपोर्ट करती है? हार्ट की वॉल को सपोर्ट करती है, वहीं पर ब्लड की सप्लाई करती है। CNS का मतलब क्या होता है राजा बेटा? CNS का मतलब यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक बात आपसे कहेंगे
जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। जब भी कभी कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो वहां पर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बस इतना याद रखना, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है ना, त्वरित कार्यवाही होनी है, तो त्वरित कार्यवाही तो बेटा तभी होगी ना जब आप उसमें ब्रेन को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो वो सीखेगा, सुनेगा, समझेगा, देखेगा, तर्क करेगा, उसके पश्चात निर्णय लेगा। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते आपको रास्ते में कांटा चुभ जाए, अब पहले दिमाग दिमाग ये सोचे कि कांटा है, चुभा है, हटाएं कि ना हटाएं, चोट लग रही है, दर्द हो रहा है। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, जितने भी प्रतिवर्ती क्रिया थी, रिफ्लेक्स एक्शन थे, उसमें से किसको हटा दिया, ब्रेन को। और ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई, आपकी मेरुदंड, आपकी वर्टिब्रल कॉलम, आपकी न्यूरॉन को, आपकी तंत्रिका कोशिका को। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है बेटा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन ब्रेन का देखना जरा एक मिनट, लेकिन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट किस में नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन में, भूलना नहीं बेटा, इसमें नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन में। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट किस में नहीं होता, रिफ्लेक्स एक्शन में। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, और ANS का क्या मतलब होता है बेटा, ऑटो, हाँ चलो आप ही बताना। और हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे इस वीडियो के एंड में कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या अंतर है। SNS, एक केवल एक अंतर बता देना हमको, SNS वर्सेस PNS, आई बात समझ में, हमको केवल एक रिस्पांस करना बस, कि हमको केवल एक ये रिस्पांस करना बेटा कि आपका जो SNS है और PNS है, इसमें क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है, मेन सबसे मुख्य अंतर क्या है SNS और PNS में, वीडियो के लास्ट में हमको इसके विषय में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा था। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है बेटा, तो अब वो एरोबिक भी हो सकता है और एनोरोबिक भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनोरोबिक भी हो सकता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉमन होती है दोनों में, ठीक है, आई बात समझ में, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो कॉमन होती है, चाहे बात हो रही सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है बेटा, तो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, मतलब कोशिकीय श्वसन, चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनॉक्सी श्वसन हो, ग्लाइकोलिसिस दोनों में होता है, ठीक है, आई बात समझ में। चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखो बेटा अगर हम बात करें एलील की, बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलील क्या है, ट्रेट क्या है, क्रोमोसोम क्या है, करेक्टर्स क्या है, जीन क्या है, गुणसूत्र क्या है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, सिनेप्सिस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें बड़ी पूछी जाने वाली हैं। तो एलील्स क्या है, ए पेयर ऑफ जीन, सुना वो ध्यान से, कान खोल के ध्यान से मन से, ए पेयर ऑफ जीन, जीन का एक ऐसा जोड़ा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ऑन ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस। अब आपको बता दें यहाँ इसमें हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पर नीचे लिख देना बेटा कैरेक्टर, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो हमने क्या गलती करी बेटा, इसमें कैरेक्टर लिख देना, ठीक है, ए पेयर ऑफ जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑन द, अब ध्यान से देखो, ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकाई और लोकस, इसको हम एलील कहते हैं बेटा। देखो पता है आपको, एलील्स ही होते हैं जो करेक्टर का ट्रांसफर करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, आई बात समझ में। एलील्स ए पेयर ऑफ जीन, जीन का एक ऐसा जोड़ा जो किसी विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी हो, जीन का एक ऐसा जोड़ा जो किसी विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी हो, हम उसे क्या कहते हैं बेटा, हम उसे कहते हैं एलील्स। और एलील्स हमेशा
कहाँ पर स्थित होंगे? ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस। ठीक है, आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ देखना बेटा थोड़ा ध्यान से, अगर हम बैक क्रॉस की बात करें, ठीक है, जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं ये सारे बैक क्रॉस होते हैं बेटा। हमने देखो ऊपर इसीलिए लिख भी दिया आपकी सुविधा के लिए, ये देखो सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में पीछे आना ही पड़ता है। और देखो बैक क्रॉस को हमने दो तरह से दिखाया, अगर आप बैक क्रॉस को पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, बैक क्रॉस में हमेशा F1 जनरेशन को क्रॉस कराया जाता है पेरेंट से, पहली बात सुनते चलना फिर अभी समझा देंगे सब। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन को पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। अब या तो डोमिनेंट पेरेंट से कराओगे या रिसेसिव से कराओगे बेटा, अगर डोमिनेंट पेरेंट से कराओगे तो इसको आउट क्रॉस कहते हैं बेटा। राजा समझना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स का पोर्शन है, वन लाइनर में ये सब कोई पढ़ाएगा नहीं, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें वन लाइनर के थ्रू खत्म कर दे रहे हैं। बैक क्रॉस, सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस कहलाते हैं। बैक क्रॉस में हमेशा F1 जनरेशन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्रॉस किया जाएगा पेरेंट के साथ। अब पेरेंट या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, अगर डोमिनेंट है तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं, अगर डोमिनेंट है तो क्या कहें राजा बेटा? आउट क्रॉस। और रिसेसिव है तो क्या कह देंगे? टेस्ट क्रॉस। इतनी बात समझ में आई? अगर डोमिनेंट है तो आउट क्रॉस, अगर रिसेसिव है तो टेस्ट क्रॉस। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ो, अब अगर आपसे पूछें कि भैया आउट क्रॉस का फायदा क्या है, क्यों कराया जाता है आउट क्रॉस, क्या रीजन है आउट क्रॉस का, क्या फायदा? फॉर ट्रांसफरिंग द डोमिनेंट करेक्टर, ध्यान देना, डोमिनेंट करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब देखो डोमिनेंट पेरेंट से आप F1 का क्रॉस करा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने डोमिनेंट करेक्टर को आगे ले जाना चाहते हो, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो, एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे मान लो कि पौधे का कोई करेक्टर, जैसे उसका कलर आपको पसंद आया कि गुलाबी करेक्टर है, हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो गुलाबी कलर को आगे ले जाने के लिए आपने उसकी F1 जनरेशन से उसकी डॉ और उसका गुलाबी कलर जो था पौधे का वो डोमिनेंट करेक्टर था, तो जब आपने F1 से क्रॉस कराया तो आगे की जैसी प्रोजेनी बनेगी तो उसमें वो डोमिनेंट करेक्टर शो हो जाएगा। यानी कि ध्यान से सुना, अब बस रामबाण वचन बोलने जा रहे, ध्यान से सुना, यानी कि बैक क्रॉस जिसमें कि F1 जनरेशन का किसी डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है, उसका यह फायदा है कि हम उस डोमिनेंट माता पिता के या उस माता पिता के डोमिनेंट कैरेक्टर को आगे की जनरेशन में ले जाना चाहते हैं। बेटा इतने खुल के और इतने प्रेम से शायद ही कोई आपको ये बातें समझा पाए, किताब में पढ़ना शुरू करेंगे तो तुरंत नींद आने लगेगी। अब आ जाओ टेस्ट क्रॉस में, इतना सिंपल हमने कर दिया, सोच लीजिए F1 रिसेसिव पेरेंट। अब रिसेसिव पेरेंट से कराने का क्या फ़ायदा है फिर? रिसेसिव पेरेंट से बेटा कराते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हेटरोजाइगोसिटी जो है पेरेंट की वो क्या क्या है, मतलब जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, ये हेटरोजाइगोसिटी पता करते हैं, ठीक है। ये इसका कोई खास लाभ हमको नहीं है, ये जेनेटिक्स का है बेसिकली। इसका जो लाभ है वो आपको कहाँ मिलेगा? जेनेटिक्स में। हमसे कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों का, ये हमारे लिए सीधे सीधे लाभप्रद है। मतलब ये चीज़ आप एक माली से भी समझ सकते हो, माली माली गार्डनर, ये जेनेटिक्स, ठीक है। अब तो बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, सारी बातें समझ गए। बैक क्रॉस के अंतर्गत दो, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, अगर डोमिनेंट है तो आउट क्रॉस, अगर रिसेसिव है तो टेस्ट क्रॉस, बस काम खत्म, राजा बाबू हो गए। आज अपने आपने दो क्लासेस भी पढ़ ली, तैयारी हो गई अच्छी। अब बस एक छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन है, देख लो कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं कि जो स्पर्म होता है बेटा वो जब ओवा में घुसता है जाके, यानी कि कॉपुलेशन मैथुन के दौरान या मैथुन के पश्चात 72 घंटे बाद, जब
ओवा में स्पर्म एंटर करता है तो पूछना है कि ओवा में कहाँ से पेनिट्रेट करता है जाके, तो आप बोलना हमेशा एनिमल हेमिस्फीयर से। कहाँ से पेनिट्रेट करता राजा बेटा? एनिमल हेमिस्फीयर। ये ओवम का एक पार्ट है जहाँ से स्पर्म की एंट्री होती है। बस देखो सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं, अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने, कोई भी चीज़ हमें नहीं लगता इसमें टफ लगी होगी। और गजब की इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, बहुत छोटी और बहुत अच्छी। क्या क्या पढ़ा हमने? पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कोरोनरी आर्टरी, और बल्कि हमने एक बीमारी का ख़त्म करने का तरीका भी सीखा। क्या? कि अगर किसी को ब्लॉकेज है तो हम कैसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। हर्ट किसमें किसमें किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ डाला इसमें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। फिर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कि एलील के बारे में पढ़ा, और बैक क्रॉस, चेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस तीनों पढ़ डाला। ठीक है ना, तो मज़ेदार स्लाइड थी, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ना। और उत्तर किस बात का दोगे बेटा? एक एक अंतर बता देना सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच। ठीक है, आई बात समझ में? थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।